नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जैसा जीएन भारत में आपको हम लगातार पूजा सिंघल के बारे में अपडेट देते आ रहे हैं, वैसे तो पूजा सिंघल से 8 जून को पूछताछ होगी। अभी तक वो हिरासत में है, मतलब जेल में, होटवार जेल में है और मैडम को अपर डिवीजन सेल में ऊपर रखा गया है, तो थोड़ी आराम है। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि काफ़ी अच्छा खाने को उनको मिल रहा है, बेड मिला है, गद्दा मिला है, टेलीविज़न अखबार की सुविधा मिली है। चूँकि वो आईएएस रह चुकी है, आदत नहीं है इतना स्ट्रगल करने का, इसलिए चूँकि वीआईपी ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है और सुनने में आ रहा है आगे चलकर वो रिम्स भी शिफ्ट हो सकती है, वहाँ उनको कॉटेज की भी सुविधा दी जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई छुट्टी मनाने कोई जाता है मनाली और वहाँ पर उसको कॉटेज की सुविधा मिलती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है कि प्रेम प्रकाश के मामले में हस्तक्षेप याचिका दर्ज की गई है हाईकोर्ट में, जो कि शिव कुमार वर्मा के द्वारा याचिका दायर की गई है। इस याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि रांची के जो डीसी छवि रंजन है और इसके साथ ही विनय चौबे आईएएस है, इन दोनों से प्रेम प्रकाश का बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा तालमेल बैठाकर ये तीनों आपस में चलते थे। ऐसा माना जाता है चाईबासा में जब डीसी छवि रंजन थे तब उन्होंने प्रेम प्रकाश को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है और आईएएस विनय चौबे जो है वो खाद आपूर्ति जब आईएएस उस विभाग में जब कार्यरत थे तो उस समय मिड डे मील के तहत अंडा सप्लाई करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो प्रेम प्रकाश को विनय चौबे ने ही दिया है और इसके थ्रू बहुत करप्शन की गई है। उससे कई सारे पैसे मंथली वसूली होते थे और मंथली वसूली करके ड्राइवर के हाथों रांची तक वो पैसा आता था। अब रांची तक किसके पास आता था, आपको बता दें कि पूजा सिंघल के घर में 25 करोड़ लगभग नकद और सुमन कुमार के घर में अच्छा खासा नगद बरामद हुआ है। अब वो कैश मिड डे मील का है, मनरेगा का है, किस चीज का है, ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि ये ईडी के हाथ में गेंद है, वो जांच करी है। ईडी का काम ईडी को ही करने देते हैं। लेकिन जैसा ये जो सूत्र है एकदम पक्की है कि रांची सप्लाई होता था, मंथली पैसा आता था और इसकी पूरी जानकारी डीसी छवि रंजन और साथ ही विनय चौबे को थी, इतना श्योर है। इसके साथ ही और भी आधे से दर्जन आईएएस आईपीएस का नाम निकल के सामने आ रहा है। प्रेम प्रकाश का जैसे ईडी और गहराई से पूछताछ कर रही है वैसे और कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। अभी ईडी का पूछताछ फिलहाल थम गया है, छापेमारी थोड़ा थम गया है, लेकिन सूत्र के हवाले से खबर है कि 4-5 दिन तक ईडी रेस्ट करेगी और उसके बाद पूरे सबूत के साथ कुछ आधा दर्जन आईएएस आईपीएस पर शिकंजा कसने वाला है, उनसे पूछताछ होगी, वो सीधा लाइमलाइट में आएंगे। इसलिए ईडी अभी शांत रहकर अपनी कार्रवाई पर ध्यान दे रही है, पूछताछ कर रही है, सबूत जुटाने में जुटी हुई है। आगे क्या कुछ होगा इसकी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। साथ ही प्रेम प्रकाश में सुनवाई 1 जून को होने वाली है, इसके अपडेट के लिए आप बने रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।